तो आप इस तरह से गाढ़ा दही जमा सकते हैं। ये देखिए कितना गाढ़ा दही जमा है। एक बार इस तरह से दही जरूर बनाकर देखें। हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। गाढ़ा दही बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तपेली में आधा लीटर दूध लिया है, तो दूध को हमें बॉईल करना है। तो हम चलते हैं गैस की ओर। तो दूध को मैंने बॉईल होने के लिए गैस पर रख दिया है। दूध जब तक बॉईल हो रहा है तो हम दूसरी प्रोसेस कर लेते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, तो मिल्क पाउडर का हम घोल बना लेंगे। तो मैंने 2 से 3 चम्मच दूध डाला है। मिल्क पाउडर और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मिल्क पाउडर और दूध का मैंने घोल तैयार कर लिया है। अब हम फिर से चलते हैं गैस की ओर। तो दूध भी बॉईल हो गया है, गैस की फ्लेम को हम स्लो रखेंगे। तो हमने जो मिल्क पाउडर का घोल तैयार किया है उसे हम दूध में डाल देंगे। घोल को दूध में डालकर मिक्स करते जाएंगे। तो मिल्क पाउडर का घोल डालकर मैंने दूध को अच्छे से बॉईल कर दिया है। गैस को हम बंद कर देंगे और दूध को हल्का गुनगुना होने तक ठंडा करेंगे। तो दूध को मैंने हल्का गुनगुना होने तक ठंडा कर लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच दही ऐड करेंगे। दही और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दूध और दही मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम कवर करके ओवरनाइट तक छोड़ देंगे। दही को मैंने ओवरनाइट के लिए जमने के लिए छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं दही बहुत ही अच्छी तरह से जम चुका है। ये देखिए कितना गाढ़ा दही जमा है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इस तरह से आप मिल्क पाउडर डालकर गाढ़ा दही जमा सकते हैं। एक बार इस तरह से दही जरूर बनाकर देखें। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी? वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में छोटी सी बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।